बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेस रुखसाना नवीद फ्रॉम डीपीएस साहिवाल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विद मैसेज ऑफ द डे। Say prayers 5 times in a day because prayers save us from all the epidemics. Do you know which epidemic we are facing nowadays? Yes, coronavirus. May Allah save us all. Ameen. Class 4. Are you watching some pictures on the screen and some words are also written here? Inside, outside, tomorrow, today, yesterday. Can you guess what we are going to read? Yes, we are going to read about adverbs. Adverbs are one of the parts of speech. They help us in our spoken and English writings. Adverbs part of speech mein se ek hain. और ये हमारे इंग्लिश बोलचाल में और इंग्लिश राइटिंग में काम आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस हाउ दे हेल्प एंड हाउ वी यूज इट। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एडवर्ब्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। First, we will define adverbs. Adverbs are the words that describe verbs. Adverbs वो अल्फाज होते हैं जो हमें verbs के बारे में कोई मालूमात देते हैं. Now, what are the verbs? Verbs are action words, किसी काम का होना या किसी काम का करना. तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारा कोई ना कोई अंदाज होता है, कोई तरीका होता है. उस अंदाज को शो करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स एंड वी कैन डिफाइन देम इन दिस वे आल्सो। द वर्ड्स विच गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चंस हाउ, where and when, on which time an action is done, these words are called adverbs. So adverbs are the words that describe verbs. You can easily understand by its name also. Adverbs mean those words which add something about verbs. Let's see some examples. The camels walk slowly. Are you watching the picture? The action is here, walk. और action किस तरह हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है? Slowly. So slowly is the adverb which describe the action word walk. The children are sitting here. Sitting is an action word and where the action is going on? Here. Here is the adverb which tells about sitting. So here is an adverb here. There are different kinds of adverbs. Here we are going to discuss only first 3 kinds. Adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time. Adverbs of manner, adverbs which tell us how an action is done, will be done or has been done are called adverbs of manner. Mean wo alfaz jo hame ye bataye ki koi action kis tarah hua,
किस तरह होगा या हो चुका है, वो तमाम अल्फाज क्या होंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका, अंदाज। तो जिस अंदाज में वो काम होगा, वो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, वो सब क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और दीज आर द वर्ड्स विच गिव अस आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ हाउ एन एक्शन इज डन। लुक एट द एग्जाम्पल्स। शी टॉक्स लाउडली। हाउ शी इज टॉकिंग लाउडली। सो टॉक्स इज एन एक्शन वर्ड एंड हाउ द एक्शन इज गोइंग ऑन लाउडली। अंदाज क्या है? लाउडली। सो लाउडली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। द फार्मर वर्क्स हार्ड। हियर वर्क्स इज एन एक्शन वर्ड और उसका अंदाज क्या है? हार्ड। आर यू वॉचिंग इन द पिक्चर हाउ हार्ड द वर्क इज गोइंग ऑन? किसान कितनी मेहनत से काम कर रहा है। सो ये मेहनत का जो अंदाज है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हार्ड। सो हार्ड इज हियर एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स विच टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स, विल हैपन और हैज हैपन्ड आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। मीन दोज वर्ड्स विच गिव अस द आंसर ऑफ क्वेश्चन वेयर। ऑल दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। लुक एट द एग्जाम्पल्स। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। आर यू वॉचिंग अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ हिज होम? स्टैंडिंग इज एन एक्शन हियर एंड आउटसाइड इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस विच टेल्स अबाउट द एक्शन वर्ड स्टैंडिंग। ही लिव्स फार फ्रॉम स्कूल। हियर लिव्स इज एन एक्शन वर्ड एंड हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट बाय यूजिंग द वर्ड फार। सो फार इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस विच टेल्स अबाउट द एक्शन लिव्स। आर यू वॉचिंग इन द पिक्चर? कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फार एंड नियर? येस ऑफ कोर्स आई थिंक यू कैन फाइंड। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इट इज द थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स विच टेल अस वेन समबडी डज समथिंग, विल डू समथिंग और हैज डन समथिंग आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मीन दोज वर्ड्स विच गिव अस द आंसर ऑफ क्वेश्चन वेन। ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई विल क्लीन माई रूम नाउ। उसने अपना रूम कब साफ करना है? अभी करना है, इसी वक्त। आर यू वॉचिंग? क्लीन इज हियर एन एक्शन वर्ड एंड वेन ऑन विच टाइम इट्स गोइंग ऑन? राइट नाउ। सो नाउ इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। वी मस्ट स्लीप अर्ली। हियर स्लीप इज एन एक्शन वर्ड और ये एक्शन कब होना चाहिए, किस टाइम होना चाहिए? अर्ली। सो अर्ली इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इट ऑल्सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, यू मस्ट स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से प्रेयर ऑल्सो। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री काइंड ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड वट आर द एडवर्ब्स? द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब्स। वट शुड वी डू नाउ? इट्स टाइम ऑफ असेसमेंट। आर यू रेडी? चूज द करेक्ट ऑप्शन। I will ask you some MCQs type of questions.
You will find out the answers and afterward you will match your answer with me. Number one, dash are the words that describe verbs, noun, adjectives, adverbs, pronoun. Adverbs which give the answer of question how are called adverbs of manner, place, time, frequency. Now number three, my father will come soon. In this sentence, adverb is my will come soon. Last one is, in this video, we have discussed dash kinds of adverbs. 1, 2, 3 or 4. Are you ready to match your answers? Now see. First one is adverbs, second manner, third soon and fourth answer is 3. If you have done all correct, clap for yourself. Very good. Now it's homework time. Write these adverbs in their suitable columns. Below, fast, carefully, still, tomorrow, inside, happily, always, every day, smartly, there, everywhere. All these are adverbs of different kinds. How you will do this homework? You will make the columns in this way. Write serial number, do the numbering and write different types of adverbs in different columns as you are watching on the screen. When you will come back, teacher will check this homework also. This is all from my side. Thank you and stay blessed always.